नितिन सर, टाटा केमिकल्स काफी सारे लोग जानना चाहते हैं, क्या राय बनती है? सर 1111 चल रहा है, दूसरा टाटा ग्रुप की कंपनी है। टाटा ग्रुप को पता नहीं सर अलग ही सपोर्ट मिला हुआ है प्लेनेट की तरफ से, चाहे वो कोई भी आप कंपनी उठा लो, टाटा मोटर्स ले लो, टाटा पावर ले लो, टाटा केमिकल्स ले लो, आप कोई भी स्टॉक टाटा ग्रुप को उठा लो सर 225 तक ये टाटा ग्रुप के ऑलमोस्ट हर शेयर जो है, जो अडानी को फेवर मिल रहा था सर कहीं ना कहीं टाटा को मिलना शुरू हो जा रहा है। अडानी को तो दूसरे कारण से बहुत सारे फेवर मिलते हैं, मतलब मैं अगर प्लेनेट्स की बात करूं तो 2025 तक टाटा ग्रुप को ओवरऑल बहुत जबरदस्त फेवर सर मिलने जा रहा है। तो 1111 पर मैं बोलूंगा बुरा नहीं है, आप इसके अंदर का फ्रेश एंट्री लेनी है आप इसको एंट्री ले सकते हो। इमीडिएट टारगेट में अगर इसका देता हूँ 1 साल का, अगर तो ये 1 साल का मेरे पास टारगेट 1410 रुपए का आ रहा है, तो 1111 चल रहा है, 1410 का टारगेट 1 साल के अंदर में। और नीचे में अगर स्टॉप लॉस अगर मैं बोलूं इसका, तो इसका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जो है वो 1025 रुपए का आप मेंटेन करें। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस के साथ में बने रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं अगर निचले लेवल से मैंने लिया हुआ है तो? बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम भले रहना है, इसको छोड़ना ही नहीं सर। मैं तो बोलूंगा 2025 तक के लिए आप लेके चलो, बिकॉज 2025 का अगर मैं इसका टारगेट अगर मैं निकाल रहा हूँ सर, इसका 2025 का मेरा टारगेट जो आ रहा है ऑलमोस्ट 2200 रुपए के आसपास का आ रहा है, मतलब डबल, जो कि कंजर्वेटिव टारगेट है। मैं जब यहाँ पर टारगेट देता हूँ तो बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट देता हूँ कि वो अचीव हो जाए। थोड़ा सा अगर मैं एग्रेसिव अगर टारगेट दूंगा तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है सर नॉन रियलिस्टिक लगने लग जाता है, क्योंकि हम तीनों लेवल पे निकालते हैं टारगेट, बहुत एग्रेसिव भी निकालते हैं, कंजर्वेटिव भी निकालते हैं और बीच का जो है मीडियम का टारगेट निकालते हैं। सो कंजर्वेटिव टारगेट जो होता है उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स को डिस्काउंट कर लेते हैं और फिर ये टारगेट निकलता है। ठीक है, तो ये राय है टाटा केमिकल्स पे।